गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हमने बोरिस जॉर्जर द्वारा राजनीतिक प्रणालियों के विभिन्न या दलीय प्रणालियों के विभिन्न वर्गीकरण के बारे में देखा था। बोरिस जॉर्जर ने राजनीतिक प्रणालियों को त्रिस्तरीय वर्गीकरण दिया, जिसमें एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। पिछले क्लासेज में हम एक दलीय और बहुदलीय प्रणालियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम बहुदलीय जो प्रणाली है उसका अध्ययन करेंगे। और बहुदलीय, सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि बहुदलीय प्रणाली होती क्या है, और उसके बाद में हम इसके गुण और दोषों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, एक दलीय व्यवस्था में हमने देखा कि वहां जो संपूर्ण शासन है वो का जो शासन का सूत्र है वो एक दल के हाथ में होता है। द्विदलीय प्रणाली में शासन का सूत्र दो दलों के हाथों में होता है, जबकि यहाँ क्या होता है, बहुत सारे दल होते हैं और सभी दल वो है वो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अब यहाँ अलग अलग तरह की संभावना बनती है। एक संभावना ये बनती है कि बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद भी वहां एक ही दल है वो सत्ता में हो, एक विकल्प ये बनता है। दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं कि वहां पर साझा सरकार बन जाए। साझा सरकार तब बनती है जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो दल क्या करते हैं, मिलकर सत्ता साझा कर लेते हैं। साझा सरकारें बन जाती हैं जब किसी भी दल को यहाँ स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तो ये बात है। और जो बहुदलीय प्रणाली है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि साझा सरकार बनने का प्रमुख कारण यहाँ यह होता है कि इसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों में वोटर्स है वो प्रतिनिधित्व है वो क्या होता है, एक तरह से वितरित हो जाता है। ऐसी दल प्रणाली विश्व के अनेक देशों में पाई जाती है, लेकिन इसका सर्वोत्तम उदाहरण कौन है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है इंडिया। इंडिया में बहुदलीय जो दलीय प्रणाली है वो पाई जाती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम इंडिया का मान सकते हैं। यदि हमने जब एक दलीय व्यवस्था हम पढ़ रहे थे, एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि 1967 से पहले इंडिया में एक दलीय व्यवस्था ही थी, क्योंकि एक प्रकार से कांग्रेस के अलावा किसी भी स्टेट में, सेंटर में कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल की सरकार नहीं थी। कांग्रेस ही एकमात्र छाताधारी दल 1967 तक था। लेकिन 1967 के बाद में जो बदलाव आया, विभिन्न राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। 77 में पहली बार जनता पार्टी की जो सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बनी, उसके बाद में संयुक्त मोर्चा सरकारें आई और उसके बाद तो इस प्रकार से साझा सरकारें भी बनी। तो लेकिन 67 से पहले का जो दौर था इंडिया में वो एक दलीय प्रभुत्व वाली प्रणाली थी, लेकिन 67 के बाद का अगर दलीय प्रणाली का अध्ययन भारत में किया जाए तो ये कौन सी व्यवस्था होगी, ये बहुदलीय प्रणाली का भी सर्वोत्तम उदाहरण हो गया। सर्वोत्तम उदाहरण है इंडिया बहुदलीय प्रणाली का। जहां तो इस प्रकार से भारत इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। यह दल प्रणाली स्थायी और अस्थायी दो तरह की होती है। स्थायी बहुदलीय प्रणाली वह होती है जिसमें अनेक दल सत्ता के लिए संघर्ष तो करते हैं, लेकिन उनका ध्येय सरकार चलाने के साथ साथ यह भी होता है, यह भी रहता है कि राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता ना आए। स्विट्जरलैंड का एक उदाहरण मैं आपको यहां बताऊं कि स्विट्जरलैंड में एक ऐसी प्रणाली है, वहां पर सोशल डेमोक्रेट्स, रेडिकल डेमोक्रेट्स, लिबरल डेमोक्रेट्स और साम्यवादी दल राजनीतिक विघटन की स्थिति पैदा किए बिना ही सत्ता प्राप्त कर संघर्ष करते हैं। इसके विपरीत अस्थायी बहुदलीय प्रणाली में राजनीतिक अस्थिरता की राजनीतिक दलों को चिंता नहीं होती है, उनका लक्ष्य तो सत्ता प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार से बहुदलीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहां पर ये चीजें हो गई कि ये दो प्रकार की हो गई, एक है स्थायी और दूसरी अस्थायी। इंडिया में जो हम कहेंगे कि वो धीरे धीरे कैसी होती जा रही है, अस्थायी होती जा रही है, वहां पर अस्थिरता की राजनीतिक दलों को कोई चिंता नहीं है। भारत तथा फ्रांस इसके ऐसी प्रणालियां मौजूद हैं। उसके बाद में आता है हमारा टॉपिक है वो है कि बहुदलीय प्रणाली के जो गुण हैं उनके बारे में हम देख लेंगे। बहुदलीय प्रणाली के विभिन्न गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि आप बोर्ड पर इस चीज को देख भी पा रहे हैं कि कौन कौन से गुण हैं बहुदलीय प्रणाली में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिंदुवार मैंने जो नोट कर दिया है, पहला जो गुण है वो है सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व।
ये कहें कि विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व विभिन्न दलों के द्वारा यहाँ किया जाता है। इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, क्योंकि विभिन्न वर्गों के लिए हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान होते हैं, जो अपने अपने वर्गों के हितों के का प्रतिनिधित्व लेते हैं और उन हितों की रक्षा के लिए वो राजनीतिक व्यवस्था में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में आता है कि दूसरा जो बिंदु है वो है इसमें जनसाधारण को विचारों की स्वतंत्रता होती है। देखिए, बहुदलीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इसमें जो जनसाधारण है उसको अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और राष्ट्र दो विरोधी गुटों या विचारधाराओं में नहीं बटा होता है। इसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, सभी वर्गों को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, इसमें मतदाताओं को भी क्या होता है, चुनाव में विकल्पों की स्वतंत्रता होती है, क्योंकि जहां एक दलीय व्यवस्था प्रणाली होती है वहां तो क्या होगा, मतदाताओं के पास कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, उन्हें विकल्पहीनता की स्थिति में उन्हें क्या होना होता है, उन्हें किसी या तो एक दल को ही वोट देना पड़ेगा। द्विदलीय व्यवस्था में भी उसके विकल्प सीमित हो जाते हैं, दो ही राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जिनको वोट देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये कहा जाए कि बहुदलीय व्यवस्था में मतदाताओं को चुनाव देने के लिए विकल्पों की जो अधिकता है वो मिल जाती है। इसमें मंत्रिमंडल की तानाशाही भी स्थापित नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसमें मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित नहीं होती है, और इसके पीछे हम रीजन ये बता सकते हैं कि कई बार कई दल मिलकर ही सरकार बनाते हैं, जिससे संसद में मिलाजुला बहुमत रहता है, इसलिए वहां पर मंत्रिमंडल तानाशाही व्यवहार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना भी नहीं रहता है। जैसा हमने द्विदलीय व्यवस्था में देखा, हमने एक दलीय व्यवस्था में देखा, वहां विधानमंडल एक प्रकार से क्या होता है, मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना बन जाता है, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। बहुदलीय व्यवस्था में वो मंत्रिमंडल के हाथों में खिलौना नहीं होता है, क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल को विधानमंडल में दल के प्रति बहुमत पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विधानमंडल के बहुमत पर ही उसका जीवन निर्भर करता है, इसलिए वो एक प्रकार से ये कहें कि विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना नहीं बनता है। नेक्स्ट, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो सरकार बनती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि सरकार जनहित विरोधी कार्य करती है तो वह पूरे समय चल नहीं पाएगी, बल्कि समय से पहले ही सरकार का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, सरकार विघटित हो जाएगी, तो ये स्थिति बनती है। उसके बाद में है नेक्स्ट, अगला है कि इसमें स्थानीय स्वशासन की भावना का भी विकास होता है, यानी विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है, जिसके कारण स्थानीय स्वशासन की भावना है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट अगला है, किस प्रणाली का स्वरूप भी प्रजातांत्रिक है। वास्तविक सच्चे अर्थों में ये डेमोक्रेटिक प्रणाली यही है, क्योंकि इसमें सभी भाई जहां समाज ऐसे हैं, समाज ये कहें कि बहुलवादी समाज है, तो उन बहुलवादी समाजों में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और जब सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा तो ही सच्चे अर्थों में क्या होगा, प्रजातंत्र स्थापित होगा। तो ये कहा जाए कि बहुदलीय जो शासन प्रणाली, बहुदलीय जो दलीय प्रणाली है, वो वास्तव में उसका स्वरूप ही प्रजातांत्रिक है। नेक्स्ट है, इसमें राष्ट्रीय सरकार की परिकल्पना भी संभव है। राष्ट्रीय सरकार की परिकल्पना की जाए तो वो इसमें संभव हो जाती है, तो इस रूप में भी यह एक बेहतर शासन प्रणाली मानी जा सकती है। नेक्स्ट, उसके बाद में आता है हमारे पास कि बहुदलीय प्रणाली के दोष। देखिए, इसके विभिन्न सारे दोष हम गिना सकते हैं, एक एक करके हम इन दोषों को भी देख लेते हैं कि बहुदलीय प्रणाली की सबसे बड़ा दोष तो यह होता है कि यह सरकार कई दलों से मिलकर बनती है, और कई दलों से राजनीतिक दलों से मिलकर बनने के कारण की सरकार कैसी होती है, यह एक निर्बल सरकार होती है। बहुत सारे दल क्योंकि सामान्यतः यह होता है कि बहुदलीय व्यवस्थाओं में एक दल को शासक बहुमत प्राप्त हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि वहां पर साझा सरकारें बनती है, और साझा सरकारें बनेगी, बहुत सारे दलों का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, तो दल सरकार कैसी हो जाएगी, निर्बल सरकार हो जाएगी, और निर्बल सरकार होने के कारण सरकार अस्थायी होगी, जो किसी भी समय टूट सकती है, यानी उसके विघटन का भय हमेशा बना रहेगा। पहला दोष,
दूसरा दोष है वो गिनाया जा सकता है कि दीर्घकालीन योजनाएं नहीं बन सकती और बनेगी तो उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार बहुदलीय व्यवस्थाओं में क्या होता है, सरकार अस्थिर होती है, निर्बल सरकार होती है। सरकार को हमेशा ये भय रहता है कि उसका जीवन काल फिक्स नहीं है, पता नहीं कब उसका विघटन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में सरकारें हैं वो दीर्घकालीन योजनाएं न तो बनाएंगी और बनाएंगी तो लंबे समय तक दीर्घकालीन योजनाओं का क्रियान्वयन हो पाए, इस बात की कोई गारंटी बहुदलीय व्यवस्था में मौजूद नहीं है। तीसरा जो महत्वपूर्ण दोष है इसका वो है कि सरकार निर्माण में भी मुसीबत आती है। सामान्यतः तो ये होता है कि एक दलीय शासन प्रणाली के अंदर तो एक ही दल होता है, इसलिए वो आसानी से सरकार बना लेता है। बहुदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था में भी ये होता है कि दो दल होने के कारण एक दल को बहुमत मिलता है, दूसरा दल विपक्ष में होता है, इसलिए जिस दल को बहुमत मिलता है वो आसानी से सरकार बना लेता है। लेकिन बहुदलीय व्यवस्था में हम यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ सरकार बनाना इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि बहुमत है वो क्या होता है, बिखरा हुआ आता है, त्रिशंकु आता है, बहुत सारे दलों को सीटें मिलती है, इसलिए सभी या तो संभावना ये होती है कि एक दल की सरकार बनना ही मुश्किल हो जाता है, या फिर क्या होता है किसी दल को साझा सरकार, अन्य दलों के साथ मिलकर साझा सरकार बनानी होती है। जैसे भारत में हम इसका सर्वोत्तम उदाहरण हम देख रहे हैं, एक तरफ यूपीए सरकार आती है, दूसरी तरफ एनडीए सरकार आती है। तो इस प्रकार से यूपीए और एनडीए है, ये क्या है, एक प्रकार से ये राजनीतिक दलों के गठबंधन है। तो इस प्रकार से गठबंधन वाली सरकार बनती है, जो ये कहें कि सरकार निर्माण करने में बहुत मुसीबत आती है, किस प्रकार से इन दल गठबंधनों का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगली जो विशेषता है वो अगली जो इसका दोष है वो है इसमें दल बदल को प्रोत्साहन मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल बदल एक वर्तमान समय में एक बड़ी समस्या है, और ये जो राजनीतिक प्रणाली है वो दल बदल को क्या करती है, बढ़ावा देती है, क्योंकि बहुत सारे विकल्प उनके राजनेताओं के समक्ष होते हैं, तो इसलिए वो दिन दल दल बदली करते रहते हैं, ये इस प्रवृत्ति को ये बलवती बनाती है। नेक्स्ट संगठित विपक्ष का भी अभाव होता है, जैसा हम वर्तमान में देख पा रहे हैं कि अगर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिल गया तो जो विपक्ष होगा वो अनेक दलों में बटा रहता है, और विपक्ष अनेक दलों में बटा होने के कारण वो सशक्त विपक्ष की भूमिका यहाँ नहीं निभा पाता है, ये एक बहुदलीय प्रणाली का एक बड़ा दोष है। उसके बाद में शासनादेश की स्थिति भी कमजोर होती है, क्योंकि जब एक दल की सरकार है तब तो ठीक है नहीं, लेकिन अगर बहुमत वाली ये कहें कि हम खिचड़ी सरकार है, साझा सरकार है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है या जिसको शासनाध्यक्ष हम कहेंगे, शासनाध्यक्ष है, उसकी स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं होती है। जैसा यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, तो वहां पर मनमोहन सिंह जी की स्थिति ज्यादा सशक्त नहीं थी, और उसका कारण क्या था कि साझा सरकार होने के कारण अन्य दलों का भी दबाव लगातार सरकार पर बना रहता, जिसके कारण एक प्रकार से शासनाध्यक्ष की स्थिति काफी कमजोर हो जाती है। उसके बाद में है उत्तरदायित्व का भी अभाव होता है, क्योंकि वहां समस्या ये होती है कि एक दल है वो सत्ता में तो भागीदारी करता है, लेकिन वो अपने उत्तरदायित्व दूसरे दल पर डालने का प्रयास करता है, इसलिए उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं हो पाता है। यही कारण है कि उत्तरदायित्व का अभाव वहां देखने को मिलता है, कोई भी दल उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करता है। और नेक्स्ट इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें बहुमत साझा सरकार होने के कारण बार बार ये स्थितियां पैदा होती हैं कि किसी एक दल को सत्ता प्राप्त नहीं हो, बहुमत प्राप्त नहीं हो, गठबंधन सरकार बने, तो गठबंधन सरकार बनेगी तो अस्थिरता पैदा होगी, और अस्थिरता पैदा होगी तो चुनावों का बार बार होना, या ये कहें कि चुनावों का बोझ सरकार और जनता पर बढ़ेगा, जो इसका महत्वपूर्ण दोष के रूप में गिनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने बहुदलीय प्रणाली का अर्थ, उसके गुण और उसके दोषों के बारे में देखा। उपरोक्त विवेचन के बाद कहा जा सकता है कि बहुदलीय प्रणाली किसी भी देश के लिए अधिक सफल नहीं रही है, ऐसा उदाहरण भी हमारे सामने मौजूद है। निर्बल व अनुत्तरदायी सरकार के रूप में इसकी निरंतर आलोचना होती रही है, इसमें कभी भी स्थिर सरकारों का निर्माण नहीं हुआ। यद्यपि भारत में वर्तमान में जो सरकार है वो अपना पूरा कार्यकाल निकाल रही है, साझी सरकार होते हुए भी ऐसी स्थिरता देना अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। तो इस प्रकार से बहुदलीय प्रणाली के कुछ गुण हैं तो कुछ दोष विद्यमान हैं, जैसा कि अन्य शासन प्रणालियों के होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।